सतनाम जी बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मन परतख गुरु निस्तारे ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी सजन सच्चा पातशाह शिरशाहां दे शाह जिस पास बैठिया सो ही है सबना दा वेसा हो सतगुरु गरीब नवाज पत पावन भगत वछल कृपा दिख जाने जुगो जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी विच अथवा बाला प्रीतम साहेब सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी दे चरण छो पावन पवित्र स्थान गुरद्वारा बंगला साहब विखे सतगुरु पातशाह जी हजूरी विच जुड़ के गुरबाणी दे कीर्तन का आनंद माण रहे हो। सतगुरु की बख्शिश नाल दूरां दरेडियां तो आके गुरु कीआं संगतां इस पावन स्थान की यात्रा कर रही हैं। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सानूं कलयुग का मुख प्रधान साधन कीर्तन दसाया है कि गुरु की बाणी का कीर्तन बहुत ही वडमुली दात है। कलयुग दे विच एड्डी वड्डी कोई होर दात नहीं। कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए ध्याना आप तरह सगले कुल तारी हर दरगह पातशाह जाएगा ऐसी दात है। सो उस कीर्तन का आनंद रागी जत्थे ने बड़े श्रद्धा भावना दे नाल रंग बन्निया है। सो सतगुरु दीआं संगतां ने अमृत वेल तों लै के जिथे वख वख थावां ते कोई जोड़ा घर विच कोई दरबार विच कोई बार ग्राउंड विच कोई सरावां दे विच बड़ी श्रद्धा नाल सेवा कर रहे ने लंगर विच सेवा कर रहे ने जिथे भी कोई सेवा कर रहा है सतगुरु की नज़र विच हाँ सतगुरु की बख्शिश है। बहुत गुरु कीआं संगतां गुरबाणी पढ़ रही हैं कीर्तन सुन रही हैं। हुण कथा दा समा आया साध संगत मर्यादा अनुसार जो नेता परत पंथ दे प्रसिद्ध विद्वान समय समय आ के इस सतगुरु दे पावन दरबार दीआं हाजरियां भरदे ने लड़ीवार कथा चल रही है। सो सतगुरु पातशाह जी का ये बहुत वड्डा साडे ते परउपकार है। कदे भी असी मन विच सोच के देखिए कि मन विच किसी तरह की कोई घूमण घेरी होवे कोई शंका होवे मन दे विच कोई भरम पिया होवे किवें दूर हो सकदा। ये साधन सतगुरु ने सानू बख्शिया है कि भाई जदों असी गुरु की बाणी पढ़ते हाँ सहज पाठ करते हाँ सुखमनी साहब पढ़ते हाँ जपजी साहब पढ़ते हाँ मन चित ला के पढ़द्या बहुत सारे साडे मन दे वहम शंके दूर हो जाते। अच्छा महाराज सच्चे पातशाह ते आ कृपा कर रहे ने ऐं दरसा रहे ने ते जिहड़ी गुरु की कथा है। सतसंग जी पंथ दे महान विद्वान सचखंड वासी संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा संगत विच एक बचन क्या करते सन कहिंदे भाई लगातार सत दिन एक हफ्ता गुरु की कथा सुन लो लगातार ते मन विच कोई तुहाडी इच्छा होवे भी आ सवाल असी सिंह साहब रणजीत सिंह नूं पुछना जाके जां जिथे भी कोई ग्रंथी सिंह जां ज्ञानी सिंह उहनूं पुछना है
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਕਥਾ ਸੁਣੋ। ਕਥਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸੁਣ ਹਰ ਕਥਾ ਉਤਾਰੀ ਮੈਲ, ਮਹਾਂਪਨੀਤ ਭਏ ਸੁਖ ਸੈਲ। ਕਾਹਦੀ ਮੈਲ ਭਾਈ? ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸੇ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ, ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ, ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੰਗਤ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਹੈ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੂਰਾਂ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਉਜਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਘਨਾਹ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਧਾਰਨ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਸਨ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਖੇਲ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਸੁਣ ਲਈਏ, ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਓਨੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਵੀ 'ਤੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੀ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪੋਥੀਆਂ, ਗੁਟਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਹੈ ਨਾ,
धन गुरु ग्रंथ साहब शहनशाह पातशाह दे पातशाह उन्हां दा कमरा साडे सारे कमरियां नालों सुंदर होना चाहिए क्योंकि गुरु है। तो जे घर विच पोथियां ने साध संगत जी घट्टो घट्ट एक हफ्ते तो बाद उन्हां पोथियां दे रमाले झाड़िए दोबारा उन्होंने धुप लवा के हवा लवा के उन्होंने संतोखीए सोहनी अलमारी भी चंगे थान पर उन्हों का आसन करिए जिधर साडे सौण वेले पैर होंदे ना उस पासे गुरबाणी के गुट के पोथियां नहीं होने चाहिए। तो साडे बेड नालों साडे मंजे नालों गुरु की बाणी का आसन उच्चा चाहिए। इन्ना क ख्याल सानू जरूर करना चाहिए। तो जो असी गुरबाणी प्रकाश करनी है इशनान करके जे इशनान किया होया तो दिने बाद च किते बाणी पढ़नी है पंज इशनाना करके ऐन सोध के गल विच हजूरिया पा के चौंकड़ा मार के गुरु की बाणी शरदा ना पढ़ो पढ़ो कि असी दस गुरु साहबाना नाल बचन करने ने इन्नी शरदा मन में होनी चाहिए है। तो फिर सहज सहज नाल बाणी पढ़ते जाइए तो नाल शरदा रखते जाइए तो फिर ये गुरबाणी साडे मन दे विच इन्ना असर करेगी कि गुरसिख ने मन लिया कि धुरकी बाणी गुरु है कलगी धर महाराज का हुक्म ही मन लिया आग्या पई त अकाल की तबह चलायो पंथ सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे। ये प्रगट दे है दसां गुरु साहबाना दी। ते आपां रोज़ अरदास दुनिया भर में जिथे भी करते हाँ असी अरदास करते हाँ ते के दसां पातशाहियां दे आत्मक सरूप धन गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का ध्यान धर के बोलो जी वाहेगुरू असी बोलते हैं। इस करके बाणी का आपां नूं इन्ना सत्कार करना चाहिए भाई का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। हुण बहुत सारे ऐप मोबाइल फोन विच ने ये जरूर ख्याल रखना चाहिए कि जदों जिहड़ी जिहड़े मोबाइल दे विच बाणी दी ऐप है कीर्तन दी है घट्टो घट्ट बाथरूम जाण वेले वो मोबाइल बाहर रख के जाओ नाल दे संगी साथी नूं फड़ा के जाओ। मन विच साडे बाणी दा जिन्ना भाव होवेगा ना भावना होवेगी भय होवेगा सतगुरु दी उन्नी वध किरपा होवेगी। इस करके भाई आओ अज सतगुरु पातशाह जी आपां जो उपदेश बख्शिश कर रहे ने वो शरदा प्रेम दे नाल सुन वास्ते भावें सिंह साहब जी ने आपां नूं शब्द सुना के फतेह गजाई साहब नूं अरदास द्वारा फतेह गजाउंदा है। इसलिए कि अपना मन चित बिरतियां भी एकाग्र होण ते जिन्हां ने पहला नहीं ना हाजरी लवाई अब इसलिए जे रह गए ढिली जी फतेह बुलाई वो भाई गज के फतेह बुला के गुरु चरणों में आप एक बार हाजरी लवाइए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु साहिब जी प्रभाती महला पहला आवत कने ना राखिया। प्रभाती राग दे विच धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी नूं श्रद्धा भावना दे नाल जो पुछया कि महाराज जगत का आन जान की है संसार की है ये जीव जिहड़े है इन्हां नूं सदीव तौर ते मरण तो बचाया क्यों नहीं जा सकता कोई चंगी औसत दिती जा सकती है तंदुरुस्त रख्या जा सकता है बीमारी तो बचाया जा सकता है फिर जीव मरदे क्यों ने संसार तो चले क्यों जाते ने ये विछोड़ा क्यों पै जाता है। तो सतगुरु पातशाह जी आप कृपा करते ने कहते भाई एक गल नूं समझो जो जन्म है तो सर पर मरना जिन्हें जन्म लिया है ना उन्हें एक दिन जाना है संसार जो आया सो चल सी सब को आई वारी है। पर इहनूं हुण सतगुरु जी आप खोल के सानूं समझा रहे ने कहिंदे आवत किने ना राखिया कहिंदे जदों मनुख ने आउणा सी ते आउण तो रोक लिया किसे ने कोई रोक सकदा है
नहीं जदों सानू माता दे पेट विच 9 महीने पूरे हो गए उत्थे कोई डॉक्टरी कोई सियाणप कोई हुज्जत कोई ईरखा रोक नहीं सकदी उदों फिर जन्म हुंदा ही है। इस वास्ते कहिंदे जिन्ने जीव है ते जिन्हां दा महाराज सच्चे पातशाह जी ने जिस ढंग दे नाल संसार दी रीत बनाई है मर्यादा बनाई है उहदे मुताबक जीव संसार विच आउंदे आ कोई रोक नहीं सकदा वो जन्म लेंदे हन संसार विच। जावत क्यों राखिया जाए जे भाई आउण तो कोई नहीं रोक सकिया ते जदों उहनां दी परालब्ध पूरी हो गई ते उहनां ने संसार विचों जाणा है दसो कहिंदे किवें रोकिया जावे फिर जावत क्यों राखिया जाए कहिंदे इहने दोवें अर्थ ने क्यों दे अर्थ किवें भी आ भी किवें रोक सकदे आ क्यों दा अर्थ क्यों भी क्यों दसो रोकियो का तो भाई जे संसार खेल ऐसा ना बनाया होवे ते ऐस दुनिया दे विच इन्ना क जमघटा पैदा हो जाए मनुख की कदर ही ना रहे नहीं ये संसार दे विच आउण जाण दा खेल बनाया महाराज ने ते फिर मन में ये ना फिक्र करो कि कोई गरीब ही जाता है जिदा इलाज नहीं हो सकता वो इलाज तो भी होना चलिया जाता है महाराज कहते नहीं भाई राणा राव ना कोर है रंग ना तुंग फकीर वारी आपो अपनी कोई ना बंदा धीर संसार तो सब चले जाते हैं इस वास्ते नहीं भाई उन्हें रोकया नहीं जा सकता जिन्हां दी परालब्ध पूरी हो जाती है जिस ते होआ सोई पर जाना महाराज सच्चे पातशाह जी नूं जाणिया किवें जावे क्यों संसार विच जीव आउंदे ने ते क्यों चले जाते ने इहनूं किवें समझिया जावे सतगुरु पातशाह जी फरमाउंदे ने कहिंदे भाई ये जिस परमात्मा तो संसार पैदा होया ना पर विशेष करके कहिंदे उही जाणदा है इहनूं होर कोई करते की मित करता जाना है कह जाना गुरसूरा कहिंदे भाई इस करते दी मित नूं मर्यादा नूं समझण च ना पाओ कि आ किवें करता है आ किवें करता है आ क्यों करता ना भाई जो उसने कीता है उहदे अगे सीस झुकाइए ते जो सानूं करन वास्ते कहा है उहदे ते चलण दा यतन करिए। महाराज कहिंदे भाई इहदे विच ही भला है जिस करते ने यह सृष्टि पूरी कीती है पैदा कीती है विशेष करके अपनी वह मर्यादा नूं खुद जानदा है जा उस ही माहे समाए महाराज होर भी कोई जानदा उस वह काल पुरख ते वाहिगुरु दिसदा नहीं वह बेपरवाह है वह तो जानदा ही है कोई होर भी जानदा महाराज कहिंदे भाई हाँ होर भी जानदे कहिंदे महाराज वह कृपा करो होर कौन जानदा है महाराज कहिंदे जा उसी माए समाए जा भाई वह लोग जानते ने जिहड़े उहदे विच अभेद हो गए उहदा नाम जप जप के उहदे विच अभेद हो गए उहदा रूप ही हो गए वह भी जानते ने भावें वह जनाउंदे नहीं वो गुप्त रहिंदे ने क्योंकि उन्हां विच जरन समर्था शक्ति इन्नी पैदा हो गई उहदा रूप ही हो गए कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा न हो जब आपा परका मिट गया जत देखै तत तू समुंदर दी न्याई उन्हां दे विच धीरज पैदा हो जाती है इस करके जां उसी माए समाए जां जिहड़े उहदे विच समा गए परमात्मा दा नाम जप के उहदा हुक्म मन के उहदी आग्या मन के उहदे भाणे विच प्रसन्न रह के उहदे दित्ते होए उपदेश नूं धारण करके उहदी कमाई करके पौ भगती द्वारा जिहड़े उहदे विच समा गए जां पाए उस दी मर्यादा नूं उह महापुरख ब्रह्म ज्ञानी भी जाणदे हन। तू है वाहो तेरी रजाए फिर महाराज सच्चे पातशाह जी उस अकाल पुरख नूं किवें समझिए जी महाराज कहिंदे भाई ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਰੂਪ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਚਰਜ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਅਚਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਅਚਰਜ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਜਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ
महाराज तेरी रजा मननी, तेरी रजा मनन वाले भी आचार्य ने, तेरी रजा महाराज समझनी बड़ी औखी है। तो जे आप बोल के भी समझा दो कि आ रजा है, तो उस रजा विच प्रसन्न रहन वाले गुरु के प्यारे वह भी आचार्य ने। पर इत्थे हुक्म है महाराज आप तो वाह आचार्य है ही, तो आप जी का हुक्म भी, आप जी की आग्या भी महाराज सच्चे पातशाह जी आचार्यताई वाली है। जो किश कर है सोई पर होए। हजूर पातशाह जी फरमाते ने जो वह परमात्मा करता है पर विशेष करके वो ही हुंदा है, कोई दूजा नहीं कर सकता। महाराज ने बाणी विच सानू मोर ला के समझा दिता कि यतन ना करियो कि जो कुछ दसा पातशाही ने किया असं भी कर लवेंगे, ये यतन ना करो, क्योंकि असा जोर नहीं। जे किश कर हम साका है, महाराज साढ़े च कोई जोर ही नहीं, तो फिर की करना चाहिए जिस नाल जोर न चले खड़े की चाहे अरदास। इतने तो फिर अरदास करनी बनती है, ये तो किमें महाराज सच्चे पातशाह जी ने सानू तुरकी बाणी लिया के दे दी, तो सानू समझा दिता कि ये भाई बाणी शक्ति है, बाणी गुरु है, बाणी समर्थ है। अज क्यों भाई जदों तो बाणी रची महाराज ने, धन गुरु अर्जन साहब जी ने बाणी रची, तो जेड़े सिख विरोधी ताकत सन उन्हां दी नज़र जानी कुदरती सी भी सिख एडी मार्शल कौम हुणे धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने होरना धर्मां दे वहिमां पखंडां विच्चों कढ के सिखी पैदा कीती, सिद्धां वर्गे जिन्हां कोल बड़ियां शक्तियां सन, शक्तियां दा हंकार सी, उन्हां नाल चर्चा करके भी महाराज सच्चे पातशाह जी ने इस धर्म की बुनियाद पक्की कर दित्ती। भाई गुरदास जी ने मोहर लाई ना, शब्द जित्ती सिद्ध मंडली की तो उस अपना पंथ निराला, अपना पंथ वखरा कर लिया, भाव जिन्ने वहम पखंड जिन्नियां किरिया कर्म सी वहम कर्म वाले वो सब खत्म कर दिते। क्योंकि महाराज सच्चे पातशाह जी कहिंदे जिहड़ी सृष्टि पैदा की, बनस्पति पैदा की, सपठूए पैदा किए, चंद्रमा सूरज पैदा किए, तुसीं इन्हां दी पूजा विच ही लगे पए हो। परमात्मा इन्हां तो वक्री एक शक्ति है, वो शक्ति महाराज ने बाणी विच लिया। इस वास्ते महाराज सच्चे पातशाह जी आप कृपा करते हैं, दोबारा पढ़ो जी। जो किश कर है सोई पर होए बा। हे अकाल पुरख वाहिगुरु, आप जी जो संसार विच आप जी कौतुक करते हो, जो आपकी मित मर्यादा चल रही है, कोई संसार विच हुंदा है। अवर ना करना जाए। होर नहीं किसी तो किया जा सकता। किन्ने देहधारी रीसां करते ने, बाणी गुरु ग्रंथ साहब दी पढ़ते ने, सिर ते कलंगियां ला लेंदे ने, बड़े बड़े टप बना के अमृत छकाउण वर्गा ढोंग जिहा भी कर लेंदे ने। साध संगत इत्थे आपां कहिंदे आ भी इह निरंकार दी बाणी है, वह कहिंदे निरंकार ही असी हाँ, इदां दा बहुत कुछ होया, पर महाराज कहिंदे नहीं कर सकता। जो कुछ धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने, दसां पातशाह जी ने किया, जो शक्ति धन गुरु ग्रंथ साहब जी की है, जो इन्हां नूं मनन वालियां दी शक्ति है, वह झूठियां डंबियां पखंडियां कबरां मड़ियां जिथे मर्जी घुम लो कितों नूं मिलेगी। फिर एक समझ नहीं आती भी जो अपने को एड्डी वड्डी शक्ति है धन गुरु ग्रंथ साहब की बाणी, फिर किसी नूं मना नहीं भी भाई तू नहीं बाणी पढ़ सकता, फिर कोई बंदिश नहीं भी तू किहड़े वेले नहीं पढ़ सकता, तो फिर भी असी जाके पखंडां दे विच ही फसे रहीए, असी जाके हरियां जिहियां चादरां चक के कबरां ते चढ़ाउंदे फिरीए। साध संग इन्ना समा हो गया, किन्ना प्रचार हो रहा है, किड्डी वड्डी शक्ति नाल सानू जोड़िया है, महाराज कहिंदे नहीं कर सकता कोई एवें न पाई भरम दे फिरियो, कोई मठां ते कोई कबरां ते कोई गुग्गियां नूं पूजदा फिरदा, कोई जठेरिया मगर तुरिया फिरदा, पता नहीं किन्ने किस्म के वहमां 'च असीं सिख फस गए।
इस करके सतगुरु जी कहते नहीं कर सकता जो धन गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कर सकती है। तो ये करते पुरख की जोत है, क्योंकि वड्डी गल की है भाई, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। जिहड़ी जोत सी ना अकाल पुरख वाहिगुरु की, रब की जोत, वो जोत गुरु नानक साहब का रूप बन के संसार में आई, दसा सरूपां में वरती। तो फिर उहो ही जोत साध सिंह जी धन गुरु ग्रंथ साहब जी विच प्रवृत्त हो गई, जिथे कलगी धर महाराज सच्चे पातशाह जी ने आप नमस्कार करके मत्था टेक के समुचे जगत नूं दस दिता कि ये जोत हुण गुरु है। तो फिर सानू भुलेखा रह गया भाई, तो नाल सानू जोत नूं समझन वास्ते जुगत दित्ती, जुगत चाहीदी है ना, हर चीज़ की जुगत चाहीदी है। घरे असी जोत रखी होवे, दीवा रख्या होवे, तो जुगती नाल ही जगेगा ना। तो जिहड़ी जोत इत्थे रखी महाराज ने, वह जोत नूं समझन वास्ते जुगती दित्ती कि भाई पंजां प्यारियां तों खंडे बाटे दा अमृत छक के तैयार बरत्यार हो जाओ, सब तरह के नशे त्याग दिओ, मन विचों कृतियां कढ दिओ, कलगी धर पातशाह दे पुत्र ते पुत्रियां बन के तैयार बरत्यार हो जाओ। तो फिर भाई जो इस जोत के नेड़े आओगे ना, तो फिर जिहड़ी पंजां प्यारियां ने वाहिगुरू का नाम दे के वाहिगुरु गुरमंत्र है जप होमै खोई, ये जिहड़ी जोत साडे विच पैदा करके वाहिगुरु का नाम टकाया होया ना, तो जो परम जोत दे कोल धन गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने आवेंगे, फिर वो जोत ना जोत जगमग करेगी जरूर। पर ये जुगती नूं जरूर अपनाउणा चाहीदा है। एक पासे शराबां पी जाने, केस कटाई जाने, व्यभिचार भोगी जाने, साध संगत झूठ बोली जाने, सिख भी कहाई जाने, तो फिर कहने साडा गुरु भी गुरु ग्रंथ साहब है, मन लो, पर ये जोत जगेगी नहीं, उहदा सानूं लाभ नहीं होवेगा, पूरा लाभ नहीं होना। फिर साध संगत फर्क कित्थे रह जाएगा? फर्क रह जाएगा कि असी गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरु तां मन लिया, पर साढ़े कोल जुगत नहीं आई, जुगत तो वांझे ही रह गए। इस वास्ते भाई कलगी धर पातशाह जी ने देखो अपना सारा सरबंस वार के वड्डियां कुरबानियां करके पंथ सजिया, तो उस पंथ विच अपने आप नूं प्रवृत्त किया, कहा कि मैं खालसा, खालसा ही मेरा रूप है, मैं खालसे विच वरतांगा, साढ़े विच रंचक मात्र भी कोई भेद नहीं हैगा, कह दिता खालसा मेरो रूप है खास, क्या ही नहीं केवल साध संगत करके दिखा दिता, केवल क्या है पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ घनेरा, केवल कह ही दिता नहीं, साध संगत वाकया ही उजड़ गए, घर बार छड़ दिता, आनंदपुर के किले छड़ दिते, अपने पुत्र साहबजादे शहीद करवा दिते, ते किनू किया फिर भी मेरा पुत्र कौन है, कहिंदे इन पुत्र के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या पया जीवत लाख हजार लखा हजार, मेरे पुत्र ने, मेरे चार ही पुत्र सी किते, ये सांझ पाई महाराज ने, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे हो मैं करूं निवास, कह दिता महाराज ने। पर क्या खालसा कौन है? दस्तार सोहनी बन ले चौड़ा गात्रा पा लवे खालसा, महाराज कहिंदे नहीं, खालसा कहाउण वाले तो मेरे वर्गे भी कवाई फिरदे, बथेरे कवा लैणगे खालसा, पर महाराज कहिंदे खालसा खास कहावै सोई, जाके हिरदे भरम ना होई, भरम पेखते रहे न्यारा, सो खालसा सतगुरु हमारा, वो है खालसा जिहड़ा शुद्ध सरूप हो के दुनियादारी के पदार्थों चो मोह ममता चो उठ के धन गुरु ग्रंथ साहब जी नाल जुड़ जावे, महाराज कहिंदे ये है मेरा खालसा। जदों कितें लोड़ पै जावे धर्म नूं, साध संगत जी धर्म तो आपा वारन वास्ते, आपा कुरबान करन वास्ते तत्पर हो जावे, मेरा खालसा है। गिनती कर लांगे, अज गिनती नहीं कर सकते, इन्ने एक गुरु के खालसे ने बेअंत तहा कप कुरबानियां करके साध संगत जी कलगी धर पातशाह दी खुशियां लईयां, दुनिया नूं दर्शा दिता कि जो गुरु साहब ने कहा है खालसा जी करन नूं समर्थ है। इस वास्ते होर नहीं है कोई, केवल गुरु की बाणी है जिहदी समर्था है, इहदे बराबर तां जिहड़ा भी करेगा झड़ जाएगा। आपां अरदास करदे अड़े सो झड़े सरन परे सो तरे, जिहड़ा तां भाई शरण च आएगा उहनूं शक्ति मिलेगी, जिहड़ा बराबरता करेगा अहंकार करेगा आकड़ रखेगा कि मैं वड्डा है गुरु साहब किहड़ा मेरे तो वड्डे ने, उह भाई झड़ जाएगा संसार विच, प्रतख भी झड़ जाएगा, लोक परलोक भी झड़ जाएगा।
जैसे हर हट की माला टेंड लगत है। हुण विश्राम दे के सतगुरु जी ने कृपा की है, महाराज होर समझाओ, कृपा करो भी ये संसार का आन जान किवें है। महाराज कहिंदे जैसे हर हट की माला टेंड लगत है, थोड़े जे पुराने मेरी उम्र तो वड्डे जां मेरी उम्र दे सिंह तो आम ही जानते होणगे, पर कईआं थावां ते हले भी नमूने मात्र हल्ट दियां टिंडां पईआं, क्योंकि उदो साधन मेन ये सीगा कि खूह पट्टे जांदे ते हल्टियां बनाईआं जांदियां, उन्हां नाल बैल जोड़ के थोड़ा बहुता पानी जमीन सिंजन का साधन पानी पीन का साधन वरत्या जांदा सी। माछूवाड़ दे विच जिहड़ा टेंड का सराहना ला के कलगीधर पातशाह जी ने आराम किया ना, वो ये माल की टेंड ही सी। सो रहो विचार साध संगत जी, ये खूह दियां टिंडां होंदियां, एक माल बनाई जाती है, माल के द्वारे टेंड ना टेंड पत्रियां जोड़ के किलां दियां झंडां करके एक ना दूजी टेंड दूजी ना तीजी टेंड जोड़ी जाती है, उन्हूं माल कहिंदे। ते वो जदों साध संगत भवन के उपर घूमती आ ते वो एक पासा जिहड़ियां टिंडां जांदियां पुठियां होके जांदियां ते जदों बाहर निकलदियां वो पानी दियां भरियां आउंदियां। सतगुरु पातशाह जी कहिंदे भाई जिवें हरड़ दियां टिंडां जिहड़ियां एक पासे जा रहीआं ने सखणीआं होके ते दूसरे पासे भरियां आउंदियां हन, एक सखनी होर फेर भरियत है। एक कहिंदे सखनी नाम खाली दा, एक सखनी है जिहड़ी थल्ले नूं जांदी आ, जिहड़ी उपर नूं आउंदी सी ना जिहड़ी सखनी सी उह वी पहलां भरी होई सी, पर सखनी हो गई खाली हो गई जदों पाठ से आ के टेढ़ी होई ना माल घूमी ते उहदा पाणी पाठ से डुल गया, वह वरतों च आ गया ते उह फिर पाणी लैण चली आ। एक हो एक फिर भरीयत है, कहिंदे फिर वह जाके खूह दे विच्चों फिर भर लई जांदी है। महाराज इहदा संसार नाल की संबंध है? महाराज कहिंदे संसार जिहड़ा है इह खूह ते जीव रूप टिंडां हन, ते इत्थे जिहड़ा है साध संकाल दा चक्कर इह पौणी है, ते जिहड़ी आसा है आसा दीआं पत्तियां लगियां होईआं हन टिंडां नूं, ते कहिंदे जिहड़े असीं कर्म करदे आं नित कर्म निमित्त कर्म क्रियमान कर्म इह परालब्ध बन जांदी है। इह परालब्ध दे नाल जदों भर जांदा है जीव रूप टिंड भर जांदी है, फिर कहिंदे उह इस माल ते चढ़ के जिथे उन्हें जन्म लैना है जिथे संसार विच आना है वह परालब्ध दसदी आ, ते उत्थे आ के वह टिंड भरी आउंदी है थल्ले, मतलब आ के संसार दे विच जिहड़ी जांदी पुट्ठी क्यों जांदी भई असीं माता दे गर्भ विच पुट्ठे होंने आ, ते जदों साडी परालब्ध मां मुताबक साडी परालब्ध पूरी हो जाती है ते फिर ये जीव रूप अपनी परालब्ध नाल भर के माता दे पेट विच्चों ये संसार विच आ के प्रविरत कर जाती है भरी आउंदी है, ते जदों इत्थे आ के वो अपनी परालब्ध भोगदा है परालब्ध भोग के फिर संसार दे विच्चों वापस चले जाता है इत्थों चले जाता है। इस तरह कहिंदे खूह दीआं टिंडां वांग भाई कुछ लोग आ रहे ने कुछ संसार तो जा रहे ने, जिन्हां दी परालब्ध खत्म हो गई जा रहे ने, जिन्हां दे संचित कर्म करके पिछले कर्मां दी भोग भोगना करके साध संगत दी उन्हां दी परालब्ध बनी है ते ओह संसार विच आ रहे हन। तैसो ही एहो खेल खसम का, मारे कहिंदे भाई इसे तरह समझो ये खेल है उस मालक दा, जिस तरह टिंडां घुमदियां ना ये संसार दे विच काल दा चक्कर इस तरह घुमदा है, ये जीव रूप टिंडा आउंदियां ते जांदियां हन, ये खेल है उस मालक दा। ज्यों उसकी वडियाई, ज्यों उसकी वडियाई मर्यादा है, जिवें उहदी वडियाई उहदी मर्यादा है। महाराज सच्चे पातशाह जी कहिंदे भाई जिहड़े गुरमुख प्यारे जां इउं समझ लो कि उह समझदा तां है जानदा है पर अपने आप गुप्त रहण कारण ये उसकी गुप्त रहण विच ही उहदी वडियाई है कि परमात्मा सब कुछ जानता तो है
पर यह सारे खेल नूं आप देख रहा है। महाराज कहिंदे इह उस खसम की खेल ऐसी है कि जानदा होई भी गुप्त है, ये गुप्त रहना ही उसकी वड्डी वड्याई है। सुरती का मार्ग चल कै हुण कहिंदे भाई आओ तुहानूं दसीए कि इस जी असी परालब्ध भोगी भी असी कर्म किते, नित कर्म किते, निमित कर्म किते, परालब्ध बनी उहदा सानूं लाभ की होवेगा। जे खूह दीआं टिंडां भरियां खाली हो गईआं, भरियां खाली हो गईआं, जीव नूं लाभ की होया, जीव ते इस दा भेद किवें मिटिया? कहिंदे भाई इहदे लई तुहानूं धर्म की पौड़ी ग्रहण करनी पड़ेगी, धर्म के रस्ते ते चलना पएगा। जे धर्म का रस्ता ही ना फड़िया, आप आम तौर पर कई बार ना पढ़ते हाँ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वडभागी पाए, पढ़ लिया पर समझिया नहीं। अज धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी कहिंदे सुरती कै मार्ग चल के, हुण कहिंदे सुरती की आ, यह है धर्म का रस्ता। धर्म के रस्ते ते चलण वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सानूं यह सिक्ख्या दित्ती आ, संत का मार्ग की है। पहला तो भाई मैं बेनती करा, संत कौन है? जिहड़े परमात्मा नूं मनदे आ, आस्थक है, श्रद्धा रखदे आ, भाव भगती विच लीन रहिंदे आ, किसी नाल ईरखा नहीं करते, किसी नाल दुश्मनी नहीं रखते, इस तरह की परिभाषा है बहुत सारी संतां दी। ते छोटे शब्दों में बेनती करा ते महाराज ने उहदे विच ही कुजे च समुंदर बंद कर दिता, जिन्ना सास ग्रास ना विसरै हर नामा मन मंत, धन से सही नानका पूर्ण सोई संत, वह संत है। तो संत का मार्ग की है? कहिंदे भाई संत का मार्ग है जिहड़ा धर्म के नेड़े ले आवे, धर्म के राह ते जिहड़ा चला देवे, वह संतां दा मार्ग है। संतां दा मार्ग यह नहीं कि मैं तुहानूं पुड़ी दे दिंदा, तुहाडे घर पुत्र पैदा जाएगा, तुहाडा बच्चा अमरीका चले जाएगा, यह मार्ग नहीं, ये तो बन गए हुण। पर जिहड़ा गुरबाणी सानूं दसदी है ना, वह गुरबाणी दसदी भी संत का मार्ग है धर्म के नेड़े लियाउणा। धर्म के नेड़े किवें लियाउणगे संत? कहिंदे भाई जिवें एक असीं कहिंदे आ सचखंड वसै निरंकार, सचखंड तक जाण दा जिहड़ा मार्ग है वह संत किवें दस देणगे? संत किवें सानूं उह ते पहुँचा देणगे? ते फिर सियाणे कहिंदे संतां दे कोल इक पौड़ी आ, पौड़ी जिहड़ा धन गुरु अर्जन साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी ने दस्सिया ना भी इह इक पौड़ी आ, इहनूं समझो, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, तो इस पौड़ी दे सत डंडे आ, इहनूं समझो सत डंडे आ इहदे। तो जे पहले ही सत्तवें डंडे नूं हथ पाउण दी कोशिश करांगे बहुत मुश्किल होजू, नहीं पाया जाणा। डंडे पहले तो पैर रखना पैना है, पहला डंडा मजबूती नाल फड़ना पैना है। तो जिहड़ी पौड़ी डंडियां वाली होवे, पाव लकड़ दी पौड़ी होवे, उत्ते चढ़ना होवे, तो सब तो पहला की चाहिए है? शरीर तंदुरुस्त चाहिए, किसी नूं बुखार चढ़िया होवे, बीमार होवे, कोई बहुता ही ढिल्ला मिठा, कोई बजुर्ग होवे, शरीर ही कंबदा होवे, उह नहीं ना चढ़दा भी नहीं भाई मेरे तो चढ़िया नहीं जाणा। तो सतगुरु ने कहा पहला तो तंदुरुस्त होवो, तंदुरुस्त होण दा राह की है? पहला खंडे बाटे दा अमृत छको, गुरु वाले बनो। तो जो ये तैयार बर तैयार हो गए असी भी हुण असी धर्म की पौड़ी ते चढ़ना, तगड़े हो गए हुण, मन में निश्चय कर लिया कि इस पौड़ी ते चढ़ना असी, तो फिर पहला डंडा है सुभिच्छा। सुभिच्छा की है? मन में इच्छा करनी कि मना तू संसार आया, तेनों कोई भला करना चाहिए, बाणी पढ़नी चाहिए, अमृत छकना चाहिए, तेनों पाठ करना चाहिए, तेनों परोपकार करना चाहिए, तेनों गुरुद्वारे जाना चाहिए, तेनों शराब नहीं पीनी चाहिए, शराबियों के नेड़े भी नहीं बहना चाहिए। मन में ये इच्छा पैदा होनी, हले ये कर्म प्रबल नहीं होया, केवल इच्छा है। मन में इच्छा पैदा होनी कि मैं शुभ कर्म किते क्यों नहीं, ये है पहला डंडा। जदों पहले डंडे ते चढ़े ना, जो सुभ इच्छा आ गई, तो जिहड़ी मंद कर्म की इच्छा वो आपे ही खत्म हो जाएगी,
व्यभिचार भोगण की, नशे भोगण की, चोरी करन की, बेईमानी करन की इच्छा खत्म हो गई ना। जो सुविच्छा आ गई, सुविच्छा नू परपक कर लिया तो फिर है सोचारना। मन विच विचार पैदा करनी कि मैं 10 साल का हो गया, मैं हले अमृत नहीं छकिया, मैं 15 साल का हो गया, मैनू नितने भी नहीं चेते होया हले तक, मैं 20 साल का हो गया, मैं अखंड पाठी नहीं बनया, मैं गुरु की बाणी एक बारी भी नहीं पढ़ी। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने एड्डी वड्डी कृपा की, सानू कह दिता कि ये गुरु बाणी जिहड़ी है ये तुरकी बाणी है, ये अकाली बाणी है, ये रब्बी बाणी है, ये गुरु बाणी है। तो मैं तो बाणी पढ़ी हुई नहीं। मन विच ये विचार पैदा होने, तो फिर विचार पैदा होने भी चलो अगे नहीं ना पढ़ी, तो हुण चलो किसी महापुरख कोलों, किसी ज्ञानी कोलों, किसी ग्रंथी कोलों बाणी तो पढ़ लईए, इन्हां तो कम कर लईए। ये शुभ विचार मन विच पैदा होने कि मना तू हुण 30 साल का हो गया, तो तू दस गुरसिखी विचों किन्ने गुण तेरे विच आए ने। जे तेरे कोलों कोई गलती होई तू उहदा कदे पछताप कीता, तू गुरु को कि माफ़ी मंगी, साध संगत जी मैं पहला भी एक बारी शायद इत्थी जां मंजी साहब दीवान हाल अमृतसर साहब विखे बेनती की होगी। इहो जिहा धर्म दुनिया च किते नहीं हैगा। ये नहीं कि असी सिख हां असी आप दे धर्म की तां वड़ियाई करते हैं, नहीं, तुसी एनालिसिस करके देख लो दुनिया च किते इहो जिहा धर्म नहीं होगा जिहड़ा सानू इन्नी खुल देवे कि भाई कोई बाणी पढ़ लो, कोई नाम जप लो, कोई अमृत छक लो, कोई ग्रंथी बन जाओ, कोई रागी बन जाओ, कोई ढाडी बन जाओ, जिहड़ा गुण ग्रहण करोगे उस गुण की तुहानू कीमत पवेगी, तुहानू उहदा मान सत्कार मिलेगा। कल भी ज्ञानी जी ने कथा विच तुहानू इत्थे दस्सिया सी सुरौ विचार। ये धर्म सानू ये भी सिखाउंदा है कि मनुख कोलों जिड्डी वड्डी मर्जी गलती हो जाए, अनभोल गलती हो गई, तो गलती का प्राश्चित करना चाहता है, पश्चाताप करना चाहता है। हुण माणी मन विच ते करी जांदा है कि मना तू कहदा सिख है, तू गुरु का सिख हो गए, बल्कि तू खंडे बाटे का अमृत छक के भी आ गलती कर ली, तेरा कित्थे भला होगा। सोचता रहा सोचता रहा, तो फिर सोचा भी नहीं, साढ़े कोल ते महाराज सच्चे पातशाह जी ने उस बख्शंद गुरु ने राह खोल के रखे ने भी चल चलीए श्री अकाल तख्त साहब ते, उत्थे जाके माफ़ी मंग लीए, तो अपनी सारी विथ्या दर्द भरी सारी कहानी सारा ही पाप जिन्ना किया खोल के दस दौ कि सिंह साहब जी आ साढ़े को गलती हो गई। तो फिर पंजी परमेश्वर पंजा प्यारियां दे पेश हो के तुहाडी फिर गुरु नाल गंढ दिंदे ने, ते फिर तुहाडा पर्दा भी रखदे ने, अपना पर्दा रखदे ने, क्योंकि रब रूप है कलगीधर पातशाह दा रूप हुंदे उदों पर्दा रख के, ते फिर सानू जोड़ भी दिंदे ने, ते फिर मन विच तसल्ली भी हो जांदी कि वाह सतगुरु सच्चे पातशाह तू ऐसी कृपा कीती बख्श लिया। मैं मन में जो झोरा सी ना भी मैं गलती कीती, तो पंज प्यारे एक ही बचन करते ने ले भी गुरसिखा अज तो बाद ना करी, ये ना होवे कि इत्थे तू गलती मन ली तो मुड़ के जाके फिर उसी गलत राह ते तुरिया फिरे, ना भाई हुण तू गुरु के राह ते चली, गुरबाणी मुताबक चली, गुरु की सिक्ख्या ग्रहण करी, तो जदों ये गुरसिख्या ग्रहण कर ली फिर मन में तसली हो गई भी वाह सतगुरु पातशाह जी इन्ने बख्शांद ने, सतगुरु ने सानू बख्श लिया। साध संगत जी अज भी कुछ यहोजे हालात ने, हुण समा नेड़े मैं बेनती कल करांगा, अज भी यहोजे हालात बने ने, अज भी पंथ नूं क्योंकि जिहड़ियां सिंह साहबां दीआं पदवियां ना साध संगत जी ये किसे धर्म विच नहीं हैगियां, किते भी नहीं हैगियां, ये केवल सिख पंथ कोले आ। तंजे वड्डे वड्डे ब्रह्म ज्ञानी महापुरख भी जदों उन्हां कोले कोई सिंह साहब चल के चल जांदा ना तो उन्हां नूं पता लग जाणा कि साढ़े गुरद्वारा साहब के बाहर दरबार साहब के हेड ग्रंथी आए, ग्रंथी साहब आए ने, जां अकाल तख्त साहब के सिंह साहब आए ने,
ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਲੈਣ। ਆਓ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਸਣ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਸਣ ਉੱਚਾ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਪਦਵੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਦੁਬਧਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਦਵੀਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਦਵੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਦਵੀਆਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਹੀਲੇ ਰੱਖਣਾ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਡੰਡਾ ਹੈ ਸੁਵਿਚਾਰਨਾ, ਤੀਸਰਾ ਡੰਡਾ ਤਨੂ ਮਾਨਸਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਔਖਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੰਡੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਾਪਾ ਭਾਓ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਰਗੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਾ ਹੋ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਦ ਦੇਖਾ ਤਦ ਤੂੰ, ਆਸਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਡੰਡਾ ਨਾ, ਚੌਥੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਤਪਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਹ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤਿਆਂ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਚੜ੍ਹੀਏ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸ੍ਰਿੰਗੀ ਰਿਖੀ ਵਰਗੇ, ਸੌਰਭ ਰਿਖੀ ਵਰਗੇ ਡੋਲ ਗਏ ਇਸ ਡੰਡੇ 'ਤੇ, ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕੇ, ਤਿਲ ਕੇ ਧੜਕਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕੇ, ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੇਅੰਤ ਸਾਖੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਡੰਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਇਹਨ 'ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਲੂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਚੌਥਾ ਡੰਡਾ। ਅਸੰਗ ਸ਼ਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਵਾਂ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਅਸੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰਦੀਆ, ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਦੀਂਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੀਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਦੀਂਦੇ, ਅੰਬਾਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੀਂਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਤਿਸੰਗਤ ਪੰਜਵਾਂ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਮਝਣੇ, ਇਹ ਛੇਵਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਜੀਵ ਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਖਿਆਤ ਸਮਝਣਾ। ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੋਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੋ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਦ ਦੇਖਾ ਤਦ ਤੂੰ। ਇਹ ਸੱਤ ਡੰਡੇ ਨੇ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਫੜੀਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਡੰਡੇ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਰਤੀ ਉਲਟੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਲਟੀ ਨਦਰ ਪਰਗਾਸੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੱਤ ਵੇਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਕੌਣ ਗਿਰਹੀ ਕੌਣ ਉਦਾਸੀ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਰਗਤ ਹੈ, ਕੌਣ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਬਰਗਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਜਿਸ ਕੀ ਆਸਾ ਤਿਸ ਹੀ ਸੌਪ ਕੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਆਸਾ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,
ते तू ही इनू मिटन वाला मेरे कोल कोई यतन नहीं है। एहो रहया निर्बाण कहिंदे जदों इस हालत विच आ गया ना फिर अपनी बाण तो रहत हो जाएगा, कोई बाण नहीं रही, कोई आदत रहेगी नहीं किसी तरह की हुजत करन दी। जिस ते होआ सोई कर मान्या कहिंदे भाई जिस तों होया सी ये संसार सारा पैदा उस करते पुरख नूं मन लिया शरदा दे नाल। नानक गिर ही उदासी सो परवान जिहड़ा भाई कहिंदे विषयां दे विच फसिया होया है ग्रसिया होया वह ग्रस्ती ते जिहड़ा इन्हां पदार्थां तों उपर उठ गया वह कहिंदे निर्वाण है प्राप्त है। ये महाराज सच्चे पातशाह जी कहिंदे भाई ये गुरु की सिख्या है इस नूं समझना चाहीदा है। सतगुरु महाराज जी ने यह अपने ते बख्शिश की कृपा की है। गुरु की बाणी की कथा विचार करद्या तो बेअंती गलतियां भुला हुई हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह बख्शंद गुरु आप बख्श लैन धन गुरु ग्रंथ साहब जी कृपा कर गुरु की संगत रहमत करे। आओ खेलियां पंक्तियां पढ़ के समाप्ति करिए जी। जैस की आसा तस ही सौप कै एहो रहया निर्बाण जिस ते होआ सोई कर मान्या नानक गिरही उदासी सो परवान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली मोहला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद।